हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित कैनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th साइंस की और आज हम आपका पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। क्या केमिकल रिएक्शंस होती है? अभी तक आपने क्लास 9th में कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़े हैं आपने, किस तरीके से होती है। यहाँ पे आप जो केमिकल रिएक्शंस है आप देखेंगे कि किस तरीके से आप केमिकल रिएक्शन लिखना सीखते हैं, है ना। पिछले 9th में आपने केमिकल फॉर्मूलाज बनाने सीखे थे, यहाँ पे आप सीखेंगे केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे, होती क्या है, कैसे उन्हें बैलेंस किया जाता है, ये सारी बातें आप सीखेंगे। किस टाइप्स की, कितने कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है, इन सारी बातें हम इस चैप्टर्स में करने वाले हैं। तो उसी को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। केमिकल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। ये पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है ना। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन होती क्या है? आपने कई सारे, आपने क्लास 7th में कई सारे चेंजेस, आपने दो तरीके के चेंजेस के बारे में क्लास 7th में सीखा था, है ना। कौन कौन से चेंजेस थे? वो एक फिजिकल चेंज था और एक केमिकल चेंज था, है ना। हमने बात की थी कि फिजिकल चेंज में क्या होता है कि सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल क्या होती है, चेंज नहीं होती, है ना। जैसे कि सपोज आपने, आपके पास कोई बॉल है ना, आपने उसको पिचकाया तो उसकी शेप चेंज हो गई। अब वापस आप उसको, उसकी शेप रिगेन कर दे, उसको हाथ हटा दे वहां से तो रिगेन हो जाएगी आपकी शेप। आप देखते हैं रबड़ बैंड को जब स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच होके उसकी जो शेप है वो चेंज होगी, वापस आप छोड़े उसी शेप में आ जाएगा। तो कोई जो उसकी प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंज नहीं आता, है ना। ऐसे तरीके के चेंज होते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें कि एक नया सब्सटेंस जब नहीं बनेगा तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में हमने क्या पढ़ा था? केमिकल चेंज में हमने पढ़ा कि आपके पास कोई चेंज हुआ और वो चेंज होने के बाद आपके पास एक नया सब्सटेंस वहां पर आया, एक नया सब्सटेंस आपके पास आया, है ना। जैसे कि आप क्या करते हैं, आपने कोई, आपके पास दूध है ना, दूध से क्या बना, दही बन गई। तो आप क्या दही से वापस दूध में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, है ना। दूध से एक नया सब्सटेंस बन के हमारे सामने आया, क्या, दही। तो ये इस तरीके का चेंज क्या है? केमिकल चेंज है। आप देखते हैं कि जो लोहा है उसमें जब जंग लगता है ना, तो जंग लगने के बाद लोहे की जो कलर है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो थोड़ी चेंज हो जाती है ना। एक नया सब्सटेंस बन जाता है ना, एक नया सब्सटेंस। वापस आप उस जंग लगे लोहे से प्योर लोहे पे नहीं आ सकते। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। तो केमिकल रिएक्शंस जो होगी आप उसमें क्या पाएंगे? केमिकल चेंज पाएंगे। केमिकल रिएक्शंस में आप क्या पाएंगे? केमिकल चेंज पाएंगे। जैसे आप अपने डे टू डे लाइफ से कोई भी, आप डे टू डे लाइफ से कोई भी आप एग्जांपल उठा लीजिए, है ना। जैसे आप दूध को खुला छोड़ देते हैं गर्मियों के टाइम में, आजकल के टाइम में, है ना, तो फट जाता है दूध। इसी तरीके से आप, आपके पास आयरन तवा होता है या पैन है, या आपके पास आप देखते हैं जो कील वगैरह होती है, उसको जब आप क्या कर दें, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दें। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मतलब जब आपके एटमॉस्फेयर में क्या हो, काफी नमी हो, है ना, वाटर वेपर काफी ज्यादा हो, है ना, तो वो क्या करेगा, उनमें आयरन का हमने बात की तो उनमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, और क्या है, आपके जो जो ग्रेप्स हैं वो फर्मेंटेड हो जाते हैं, यानी सड़ जाते हैं, है ना, ग्रेप्स फर्मेंट हो जाते हैं। उसी तरीके से जब आप खाना बना रहे हैं, है ना, खाना बना रहे थे, बनाते हैं आप, तो आप रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, मसाले डालते हैं उसमें, सब्जियां से आपके पास एक नया जो आपके फूड तैयार होता है। तो ये सारे के सारे कैसे चेंज है, है ना। आप जो खाना खाते हैं वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ये एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंज है। हम जो सांस ले रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, ये भी एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंज है। तो इन सारी की सारी सिचुएशन में हमने क्या देखा, हमने पाया कि जो नेचर और आइडेंटिटी थी इनिशियल सब्सटेंस की, वो कहीं ना कहीं आपको चेंज देखने को मिला, है ना। हर उसमें आपने क्या कहा कि जो नेचर और आइडेंटिटी थी पुराने, पहले वाले सब्सटेंस की, वो बिल्कुल
चेंज हो गई, है ना, वो क्या हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। इसी तरीके की जो चीजें हैं वो केमिकल रिएक्शंस में होती है। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन एक आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है क्या एक्चुअल में, केमिकल रिएक्शन आपका एक केमिकल चेंज है। बात आई समझ में, केमिकल रिएक्शन ही केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है ना। तो एक एक्टिविटी के द्वारा हम समझेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपके पास क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन है ना। हमने क्या करा, एक मैग्नीशियम रिबन लिया और मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या करा जलाया, है ना। हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, और उसको पहले क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब किया जाता है ना। आपके पास जैसे फूल जड़ी होती है ना, इसी तरीके से एक मैग्नीशियम रिबन होता है, ठीक है, आपको लैब वगैरह मिल जाएगा केमिस्ट्री लैब में, ठीक। मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं और उसको पहले क्या करते हैं, सैंड पेपर द्वारा उसको क्लीन किया जाता है ना, सैंड पेपर द्वारा उसे क्लीन किया जाता है। पूछते हैं क्वेश्चन कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर द्वारा क्यों क्लीन किया जाता है। एक्चुअल में मैग्नीशियम के ऊपर क्या होती है, ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। सपोज इस तरीके से आपके पास क्या है, मैग्नीशियम है, सपोज आपके पास इस तरीके से मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। हमने क्या करा, इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, इसके ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। अब जब ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर जम जाएगी तो इसको ये डिफिकल्टी से बर्न होता है ना, डिफिकल्टी से क्या होता है, बर्न होता है। तो इसके ऊपर क्या हो गई, ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। इसके ऊपर क्या होती है, ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, किसके ऊपर, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, जिस वजह से उसको थोड़ा सा बर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को इस तरीके से चिमटे की मदद से इसको पकड़ते हैं कुछ दूरी पे, और उसको फिर हम क्या करते हैं, बंसर बर्नर द्वारा हम उसको क्या करते हैं, हम उसको बर्न करवाते हैं, ठीक है ना, बर्न करवाते हैं, ठीक। तो जब हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को हमने सपोज बर्न कराया, तो ये हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम रिबन होता है ना, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो क्या है, Mg है, क्या होता है, Mg, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, Mg इसका सिंबल है। जब हमने इसको क्या करा, हमने इसको जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस, क्योंकि हर चीज क्या होती है, बिना ऑक्सीजन के जलती नहीं, बननी होती। तो क्या बनाएगा आपके पास, मैग्नीशियम MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना, MgO बनेगा ये, ठीक है ना। तो जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये क्या कैसा करता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के जैसा बर्न होता है ना। जैसे फूल झड़ी को आप जब जलाएं तो उससे कैसे चिंगारी निकलती है व्हाइट कलर की, इसी तरीके से मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे भी इस तरीके से ये चीजें होती है ना, इस तरीके से ये चीजें होती है। तो आपके पास क्या आ जाता है, जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको ये मिल रहा है ना, ऐश आ जाएगी, राख आ जाएगी आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड की आपके पास क्या आ जाएगी, राख आ जाएगी, ऐश आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको जलाने से ये चीजें होती है। आई बात समझ में आपको, किस तरीके से मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो हमारे पास ये चीजें होती है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपने इस तरीके से ये चीजें देखी, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, हमने क्या करा,
एक टेस्ट ट्यूब ली, और उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, उस टेस्ट ट्यूब में हमने जो जिंक होती है, जिंक उसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स ले लिए, है ना, जिंक के ग्रेन्यूल्स हमने लिए, ठीक है ना। हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या करा, एक कोनिक हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए एक टेस्ट ट्यूब में, और उस पर थोड़ा सा हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। ये देखिए आप फिगर में देख पा रहे हैं, थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने क्या करा वहां पर ऐड किया, ठीक है ना। जब हमने जिंक ग्रेन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, है ना, और हमने देखा क्या होने लगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने लगी, दोनों के बीच में क्या होने लगी, रिएक्शन होने लगी। तो जो जिंक के ग्रेन्यूल्स थे, जिंक के ग्रेन्यूल्स जब ये आपके HCl से रिएक्ट करेंगे, कैसा HCl लिया हमने, डाइल्यूट लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो क्या बना आपके पास, ये बना जिंक क्लोराइड ZnCl2, और प्लस यहां से क्या निकली, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, है ना। अब हमें कैसे पता चला हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, हमने इस टेस्ट ट्यूब से एक डिलीवरी ट्यूब हमने कनेक्ट की थी, आप देख पा रहे हैं ये हमने डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट की थी, और उस डिलीवरी ट्यूब को हमने एक कंटेनर में हमने सोप सॉल्यूशन लिया है, वहां पे जाके हम उसको छोड़ रहे हैं डिलीवरी ट्यूब को। तो जब वो गैस निकली यहाँ से, हाइड्रोजन गैस निकली, तो सोप सॉल्यूशन में पहुंच के, हाइड्रोजन गैस निकली सोप सॉल्यूशन में पहुंच के, है ना, वो बबल्स के फॉर्म में आपके ऊपर आ रही थी। तो हमने क्या करा, एक जलती हुई कैंडल लेके गए वहां पे। तो जब आप जलती हुई कैंडल या आप मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएंगे, तो आपको जो वहां पे पॉप साउंड आएगी, जैसे पटाखा की आवाज आती है जब फायर क्रैकर बर्न होता है, फटता है, वैसी आपको कैसी आवाज आती है, पॉप साउंड आती है। तो एक टेस्ट भी है किसके लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी कि नहीं हुई थी, है ना। तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज हो रहा है। आपने जिंक ग्रेन्यूल में क्या डाला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो जिंक क्लोराइड मिला आपको और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, है ना। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज अकम्पनी करता है किसको, केमिकल रिएक्शन को अकम्पनी करता है ना। तो इन सारे उसमें आपने ये चीजें देखी, है ना, ये आपने ये सारी चीजें इसमें देखी। अच्छा, दूसरी बात, अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने कहा कि यहाँ पे गैस इवॉल्व हुई, इस रिएक्शन में बेसिकली क्या हुआ, आपकी गैस इवॉल्व हो रही है, हम कहते हैं यहाँ पे क्या निकल रही है आपकी, इस ये जो सिंबल होता है आपका ऊपर की तरफ एरो, ये हमें क्या दर्शाता है कि गैस निकल रही है वहां पे, है ना। तो यहाँ पे आपकी गैस निकली, ठीक है ना, इस रिएक्शन में आपने देखा यहाँ पे आपकी क्या निकली, गैस निकली, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ, जब आप इसको, जब आप यहाँ पे गैस तो निकल रही है, साथ ही साथ आपने ऊपर जब मैग्नीशियम रिबन को बंद किया था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वहां पे भी क्या आया था आपके पास, क्या निकला था, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम आपकी निकली थी, एक फ्लेम निकली थी, है ना, फ्लेम निकली थी, ठीक है ना। तो आप ये सारी की सारी चेंज देख रहे हैं। अच्छा, एक चेंज हमारे पास ये है, इस तरीके का ये हमारे पास क्या है, हमने क्या करा, एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, इस तरीके से टेस्ट ट्यूब है, और उसमें हमने क्या करा, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया, किसका, लेड नाइट्रेट, ठीक है, हमने क्या करा, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, ठीक, और उसपे हमने थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड डाला, लेड नाइट्रेट पे हमने क्या ऐड करा, थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, क्या ऐड करा हमने, पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट में हमने जब पोटेशियम आयोडाइड हमने ऐड करा, है ना, तो हुआ क्या, लेड नाइट्रेट क्या होता है बच्चों आपका, PbNO3 होल ट्वाइस, है ना, लेड नाइट्रेट आपका PbNO3 होल ट्वाइस, और पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है आपके पास, Ki। जब इनके बीच में रिएक्शन हुई, है ना, इनके बीच में जब रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास लेड आयोडाइड बनेगा, है ना, और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। जब लेड नाइट्रेट ने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड बना और लेड नाइट्रेट बना, ठीक है ना, पोटेशियम आयोडाइड बनता है और लेड नाइट्रेट बनता है।
तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे ही जैसे आपने लेड नाइट्रेट पे पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करा, लेड आयोडाइड किस कलर का आया, येलो कलर का। आप देख पा रहे होंगे आपके पास इसमें क्या था, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन था। इसमें आपने क्या किया था, PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट का आपने सॉल्यूशन लिया था। आपने क्या डाला इसमें, पोटेशियम आयोडाइड डाला, KI डाला है ना। आपने यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड KI ऐड कर रहे हैं। जैसे आप क्या ऐड कर रहे हैं, आप देख पा रहे कि येलो कलर का आपके पास कुछ आपको सॉल्यूशन के अंदर दिख रहा है। धीरे धीरे एस टाइम बीतता गया आपका, आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा और येलो हुआ और फाइनली वो काफी ज्यादा येलो हो गया है ना, काफी ज्यादा येलो हो गया। तो आपने देखा कि इस तरीके से यहाँ पे कलर चेंज हुआ। तो इन सारी बातों से हमने क्या सीखा, इन सारी बातों से हमने इन तीनों एक्टिविटीज में हमने क्या सीखा कि इन सब ऑब्जर्वेशन में हमने एक एक बात देखी कि भाई केमिकल रिएक्शन कब कब होती है ना। इन सारी बातों में हमने केमिकल रिएक्शन कब कब हमें देखने को मिली, इन सारी बातों में हमें केमिकल रिएक्शन कब कब हमने हमें देखने को मिली। पहला ठीक है ना, तो केमिकल रिएक्शन कब कब आपको होगी, कब कब होगी, जब आपके पास ये कुछ बातें हों। पहला अगर क्या हो, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आए ठीक है। दूसरा चेंज इन कलर, कलर में चेंज आए ठीक है। थर्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड डी चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो पीछे जो हमने एक्टिविटीज करी उन बातों से हमें क्या देखने को मिला कि केमिकल रिएक्शन कब होगी, या तो स्टेट में चेंज आ जाए उसके, है ना, स्टेट में चेंज आए, स्टेट में कैसे चेंज आया, कलर में चेंज आ जाए, कलर में कैसे चेंज आया कि अभी आपने देखा जब लेड नाइट्रेट पे आपने पोटेशियम आयोडाइड मिलाया तो येलो कलर का आपके पास आया, लेड नाइट्रेट में आपने पोटेशियम आयोडाइड मिलाया तो येलो कलर का लेड आयोडाइड आपके सामने आया, पहली बात। दूसरी बात इवोल्यूशन ऑफ गैस, आपने जब जिंक ग्रेन्यूल्स में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने ऐड किया तो क्या निकली आपके पास वहां पे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, गैस इवॉल्व हुई। चेंज इन टेम्परेचर है ना, जब आप जिंक में जब आप क्या करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं और जिस जिस कंटेनर में वो रिएक्शन हो रही है, जैसे टेस्ट ट्यूब में हो रही है, अगर आप उस टेस्ट ट्यूब को छू के देखें है ना, तो आपको थोड़ा सा कैसा वार्म गर्म टाइप के आपको छू के आपको महसूस होगा, यानी टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है, वो हीट क्या कर रहा है आपकी रिलीज कर रहा है। तो ये सारी बातें केमिकल रिएक्शन हमें बताता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो ये बातें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको कोई बातें देख इनमें से, इन चारों में से कोई बातें आपको देखने को मिल रही है तो वहां पे शॉर्ट शॉर्ट केमिकल रिएक्शन हुई है ना। तो जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास के चेंज, तो हम देखते हैं कि भाई लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास होती है ना। तो इन्हीं के बारे में हमें इन चैप्टर में, इन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, इन चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शंस हैं क्या, है ना, होती क्या, ये तो आपने देख ली किस किस तरीके से, क्या इनका बेसिक क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है कि हाँ अगर ये बातें वहां पे हो रही है तो हम कहेंगे हाँ केमिकल रिएक्शन है, स्टेट में चेंज आए, कलर में चेंज आए, गैस में चेंज आए और टेम्परेचर में चेंज आए, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या सीखना है कि उस केमिकल रिएक्शंस को लिखा कैसे जाता है। अभी ना अब आपने देखा कि पीछे हम इजिली जैसे लिख पा रहे हैं, हमने लिखा लेड नाइट्रेट को, हमने PbNO3 का होल ट्वाइस लिखा, पोटेशियम आयोडाइड को KI लिखा। तो ये बातें तो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं है ना, कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या है ठीक है, ये बातें आप क्लास 9th में सीख चुके हैं। लेकिन उसको रिएक्शन के फॉर्म में कैसे दर्शाना वो आप इस चैप्टर में सीखेंगे, केमिकल रिएक्शन में, कि उन्हें लिखा कैसे जाता है, बेसिक केमिकल रिएक्शन कहते किसको है ना। ये तो मैंने आपके सामने लिख दी, पर केमिकल रिएक्शन किस कहते किसको है। इसी तरीके से आपने ऊपर देखा, इसी तरीके से आपने ऊपर देखा जब मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास बना,
कि हमने केमिकल फॉर्म में इसको दर्शाया, इसको कैसे हमने लिखा, तो ये सारी बातें हमने इसमें करनी है। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से आप केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है उसका, ठीक है ना, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, है ना, केमिकल इक्वेशन को आप किस तरीके से लिखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए केमिकल इक्वेशन में दो चीजें होती हैं। आप अभी आपने रिएक्शन देखी पीछे, तो आपने देखा होगा कि आपके पास एक एरो था, एरो के लेफ्ट हैंड तरफ कुछ चीज थी, राइट हैंड तरफ कुछ चीज थी, तो एरो के जो लेफ्ट हैंड तरफ चीज होती है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है ना, और इस तरफ बोलते हैं हम प्रोडक्ट, है ना। एरो के लेफ्ट हैंड वाली साइड को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के लेफ्ट सॉरी राइट वाली को हम प्रोडक्ट, लेफ्ट को रिएक्टेंट, लेफ्ट को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। इस तरीके से केमिकल इक्वेशन को हम लिखते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा जब आपने मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, है ना। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं बच्चों, रिएक्टेंट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं, विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। रिएक्टेंट हम किन्हें कहेंगे, उन्हें कहेंगे जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट कहेंगे। और प्रोडक्ट किन्हें कहते हैं, व्हेन रिएक्टेंट कंबाइन, जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और डिकम्पोज टू गिव अ सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट आपको समझ आया, जो केमिकल रिएक्शन में जिसने भाग लिया वो तो रिएक्टेंट था, ठीक है ना। और प्रोडक्ट क्या है, जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं या डिकम्पोज करके एक सब्सटेंस देते हैं, है ना, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो बेसिकली ये एक फॉर्मेट है केमिकल इक्वेशन को लिखने का, कि ऐसे केमिकल जो इक्वेशन है वो क्या होती है, लिखी जाती है, इस तरीके से केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। जैसे कि पीछे हमने बात करी, हमने क्या कहा कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, है ना। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में क्या हुए, कंबाइन किए और उन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, है ना। तो Mg मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये तो क्या है, इस ये आपके पास वर्ड की फॉर्म में, कि रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन को आपने वर्ड की फॉर्म में लिखा, है ना। उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा भाई, मैग्नीशियम को कैसे लिखा जाता है, Mg, क्लास 9th में आपने पढ़ा था Mg का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, कोई भी एलिमेंट का सिंबल में जो पहला लेटर होता है हमेशा कैपिटल होता है और उसके बाद के जितने भी लेटर होंगे, सपोज किसी जैसे मैग्नीशियम में दो हम लेटर यूज कर रहे हैं, है ना, दो अल्फाबेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं एम और जी, तो पहला आपके पास कैपिटल होगा दूसरा स्मॉल होता है, तो एम जी हो गया, है ना। ऑक्सीजन आपके पास क्या होता है, O2, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन एटम बोलता है, बेसिकली बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं,
उन्हें डाउट रहता है ऑक्सीजन को ओ टू लिखें या ओ लिखें। तो अगर आपसे स्पेसिफिक बोलता है ऑक्सीजन एटम, है ना, इस ऑक्सीजन एटम स्पेसिफिक बोलेगा तो आपने ओ लिखना है, वरना ऑक्सीजन बोलता है सिंपल तो ओ टू लिखना है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है और वो इस फॉर्म में रहती है, ओ टू के फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में रहती है। इसी तरीके से हाइड्रोजन एच टू के फॉर्म में रहेगी, क्लोरीन सी एल टू के फॉर्म में रहेगी। ये बहुत सारा डाउट है और ये छोटे छोटे डाउट्स अगर क्लियर ना हो तो आप केमिकल रिएक्शन को अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो ये डाउट आपको क्लियर होने चाहिए। तो Mg और ऑक्सीजन को हमने O2 लिखा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बन जाएगा, ठीक है ना, MgO। तो ये इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम हमने केमिकल इक्वेशन को लिखा। ये तो लिखने का तरीका है। अभी मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि ये बैलेंस्ड है नहीं है, वो बातें हम बाद में करेंगे बैलेंस्ड की। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। उसी तरीके से पीछे हमने बात करी कि जब जिंक ने, है ना, दूसरी हमने बात की थी कि जब जब हमने जिंक पे क्या किया था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ऐड करा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, है ना, जब जिंक में हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला था जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक क्या है, कैसा, जिंक का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Zn, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक को हम लिखते हैं HCl, कैसा है, डाइल्यूट है, क्या बना, ये बना जिंक क्लोराइड, है ना, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन उसने बोला। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन एक गैस होती है, तो H2, H2 ऐसे लिखा जाएगा। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि जिंक क्लोराइड को ZnCl2 हमने कैसे लिखा, जो जिंक क्लोराइड है इसको हमने ZnCl2 कैसे लिखा। तो जिंक क्लोराइड का आपने आपने फॉर्मूले सीखे थे नाइन्थ में बनाना, कि भाई किस तरीके से जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला बन सकता है, है ना। तो आपको पता है कि जो जिंक है वो Zn होता है और क्लोराइड Cl होता है। आपको पता है कि Cl के ऊपर वैलेंसी कितनी होती है, माइनस वन, और Zn की कितनी होती है, प्लस टू, है ना। अब बस ये क्या करेंगे, आपस में इनकी वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगी, जो वन है Zn के पास आएगा और टू Cl के पास जाएगा। वन को हम बेसिकली वहां पे दर्शाते नहीं है, तो टू आपके पास Cl पे जाएगा। तो इस तरीके से ZnCl2 बन गया। तो इस तरीके से बच्चों आपने आज बेसिक हमने जानकारी ली केमिकल रिएक्शंस के बारे में, होती क्या है, है ना। कई सारे उदाहरण के द्वारा हमने सीखा कि जब भी केमिकल चेंज हो, और उस चेंज में स्टेट चेंज हो सकती हो, कलर चेंज हो सकता हो, ऑर्डर चेंज हो सकता हो उसका, है ना, टेम्परेचर हो, इवोल्यूशन हो गैस का, ये कई बातें अगर हो रही है तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन है, और उस केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।